आप इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं, आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं, या आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट अप कैसे कर सकते हैं, इन सभी का सोल्यूशन आपका भाई मात्र 3 सिंपल स्टेप्स में लेके आया। 3 सिंपल स्टेप्स और आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश उच्च कोटे की बन जाएगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड ना 1.5 अरब लोग इंग्लिश बोलते हैं, 67 नेशंस के अंदर तो ये एज ए प्राइमरी लैंग्वेज भी है और 27 कंट्रीज के अंदर ये एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हर जगह देखी जा सकती है, अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर इंटरव्यू देना है या फिर आपको फॉरेन कंपनीज के अंदर काम करना है, इंग्लिश हर जगह इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। अगर मैं आज मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से देखूँ कि आपको कहीं बाहर जाना है तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन लेवल के हिसाब से भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आज की डेट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, इसीलिए मैंने इसको पर्सनैलिटी वाले इस पूरी कोर्स के अंदर शामिल किया है। सो हाय गाइस, दिस इज नॉन स्टेशन, यू आर वाचिंग फॉर द बेसिक पर्सनैलिटी कोर्स और यह है लेसन नंबर 3, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बनाया। और आपका भाई भाई बहुत मेहनत कर रहा भाई, अभी रात के 2:30 बजे और ये वीडियो मैं 3री बार शूट कर रहा हूँ। पहली बार क्या प्रॉब्लम आई थी, आपके भाई की वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, मैंने सोचा मेरे को अच्छी नहीं लगी तो आप क्या लगेगी। दूसरी बार आपके भाई की वीडियो में नॉइस की प्रॉब्लम हो गई और वो नॉइस कैंसिलेशन से भी नहीं हट रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी माइक के अंदर ही, इसलिए मैंने इस बार माइक चेंज किया है वापस बनाते वक्त। और ये 3री बार आज के दिन में, आज क्या डेट है अपने, 27 सितंबर को मैं वापस से शूट कर रहा हूँ, तो होप सो ये वाली वीडियो तो आप लोगों को मिल जाए टाइम पर। सो सॉरी फॉर द लेट। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई जाओ ना यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, NamanVersus9501 एंड BrotherBR9521, वैसे सब कुछ डिस्प्ले में दिख जाएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार स्टेप नंबर 1 है हमारा डू फन एंड लर्न से मेरा मतलब है कि जब तक हमें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा तब तक हम उस चीज़ को सीखते नहीं है। तो जैसे हमें मज़ा कैसे आए, ठीक है, मेरे को पर्सनली जैसे सीरीज देखने में बहुत मज़ा आता है, एनिमेटेड सीरीज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वन पीस, जो कि जैपनीज सीरीज है, वो बोलते जैपनीज है पर सब टाइटल्स तो इंग्लिश में होते हैं, तो मेरी सबसे पहली एनिमेटेड सीरीज वही थी। मतलब पहली बार मैंने अगर कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ देखा था तो वो था इंग्लिश सबटाइटल्स वाली जैपनीज सीरीज वन पीस, और उसके 600 एपिसोड मैंने 1.5 मंथ में सल्टा दिए थे। तो उसके बाद एटलीस्ट मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट बढ़ गई। देन मैं मूव ऑन हुआ एक इंग्लिश सीरीज के ऊपर जिसका नाम था फ्लैश, ठीक है। मैं मतलब सबको रिकमेंड नहीं करता कि सब लोग वही देखो, उसकी थोड़ी सी इंग्लिश हार्ड हो सकती है, बट एटलीस्ट जब तुम्हारी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो तुम सबटाइटल्स के साथ में सुनने लग जाओगे और देन लेटर ऑन तुम्हें सुन के भी समझ में आने लग जाएगा। तो एक प्रोसेस है, पहले पढ़ के फिर उसकी पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, फिर उसके बाद लिसनिंग के सभी तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। लिखने और सुनना और पढ़ना दोनों जब साथ में रहेगा तो तुम्हें सुन के समझने आने की वाली कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यार उसके बाद अगर मैं, चलो तुम्हें एक बार के लिए एग्जांपल देता हूँ कि यार मैं कार्टून्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले कार्टून्स में जो इंग्लिश यूज होती है वो बच्चों के हिसाब से यूज होती है, तो थोड़ी ईजी होती है समझने के लिए, तो तुम सीख जल्दी सकते हो। नहीं तो उसके अलावा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं कैसे कार्टून देख लूंगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई इंग्लिश सीरीज भी ऐसी हैं जिन्हें अगर सिंपल इंग्लिश यूज की गई है, नाम तुम्हें डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे बट फिर भी मैं तुम्हें मेरी तरफ से बता देता हूँ। जैसे वन पीस, ड्रैगन बॉल जी एनिमेटेड है, और ओजार्क या 13 सीजन 1, ये सब जो सीरीज हैं बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। फ्रेंड्स देख लो, बहुत अच्छी सीरीज है, नाम भी बहुत उसका, तो और मैं पर्सनली देखी है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ यार बहुत अच्छी सीरीज है। और चलो मान लिया तुम्हें वीडियो कंटेंट में मज़े नहीं आते, यार पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो, आजकल तो तुम कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम उसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो, ऑडियो बुक समरी भी आती है तो समरी भी पढ़ सुन सकते हो, वैसे समरी बेटर लगती है मेरे को। इतनी मोटी किताब पढ़ने से अच्छा मुझे समरी बेटर लगती है, मैं बुक रीडर नहीं हूँ, बहुत अच्छा, ठीक है। या फिर अगर चलो मान लो तुम्हें सुनना भी पसंद नहीं है तो तुम पढ़ के भी इसको बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, वीडियो से भी तुम सीख सकते हो, तुम ऑडियो से भी सीख सकते हो और तुम पढ़ के भी सीख सकते हो। तुम्हें जो मतलब मज़ा आता हो ना जिस चीज़ में वो चीज़ कर डालो यार। स्टेप नंबर 2 है प्रैक्टिस। यार देखो जो तुम इंग्लिश बोलते हो ना और जो इंग्लिश वीडियो के अंदर बोली जाती है उसमें थोड़ा सा तुम फर्क महसूस करोगे, तुम एनालाइज करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, तो उस फर्क को थोड़ा सा सुधारो, उससे तुम्हारी ग्रामर सही होगी। हैज बीन, वाज, वर्ब कहाँ लगाने हैं, इसके लिए तुम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम उसको मजे में भी सीख सकते हो, तुम उसको सीरीज देखते हुए भी सीख सकते हो, बस थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ। या देखो इंग्लिश बोलने में हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं हम कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही या मुझे उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता,
इंग्लिश बोलते समय हम उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन टाइम ना हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी को बर्बाद कर देता है। तो क्यों ना हम लोग उस लेवल पर पहुंच जाएं, क्या हम उस लेवल पर लिटरली पहुंच भी सकते हैं कि हमारा माइंड इंग्लिश में ही सोचने लग जाए? हाँ, तो जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया, अगर तुम उसको लिटरली बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट स्टेप को तुम 3 to 4 months भी प्रॉपरली फॉलो करो, मैं तो बोल रहा हूँ अगर 1 month भी अगर तुम अच्छे से टाइम देते तो 1 month में इनफ हो जाएगा। मैंने 1 month के अंदर ही एक काफ़ी हद तक इंग्लिश सीख ली थी, इतनी सीख ली थी मेरा माइंड में इंग्लिश में सोचने लग जाता था। ठीक है, मतलब तुम जब लिटरली तुम्हें आदत हो जाएगी सोचने की इंग्लिश में, तुम चलते चलते अपने आप से इंग्लिश में बात करोगे भाई, तो तुम्हें उस लेवल में पहुंचना है और तुम फर्स्ट स्टेप फॉलो करके पहुंच जाओगे। बट सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अब बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ा क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यार मैं अपने दोस्त के सामने नहीं बोल सकता, वो मेरा मजाक उड़ाता है, मैं पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकता, वो लोग हिंदी में मारवाड़ी में बोलते हैं, मेरे घर में माहौल नहीं है। भाई कमरा बंद कर, शीशे के सामने वीडियो बना, वीडियो बनाएगा ना तो इससे क्या होगा ना भाई कि वीडियो बनाने पे तुम एटलीस्ट रीटेक ले सकते हो, तुम्हें पता चल सकता है कि हाँ तुमने कहाँ गलत बोला, क्योंकि तुम सुनने की तो तुम्हें आदत है, एक अच्छी इंग्लिश तुम्हें सुनने की आदत है, और जब तुम तुम्हारी इंग्लिश सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो बनाओ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वीडियो बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यार तुम्हें ये नहीं है कि तुमने एक बार वीडियो बना ली तो तुम्हें वही पोस्ट करनी पड़ेगी, वही तुम्हें लोगों को दिखानी पड़ेगी। रीटेक लो, जो तुम्हें लगे ना कि हाँ ये बेस्ट वीडियो बनी है भाई, वही लोगों को दिखाओ, और दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद देख लो एटलीस्ट, तो वीडियो से तुम्हारा कॉन्फिडेंस दूर होगा। और जब तुम उसको यूट्यूब पे पटकने लग जाओ या किसी भी एनी सोशल मीडिया पे अगर तुम उसको धीरे धीरे डालने लग जाओगे, अपलोड करने लग जाओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिटरली बूस्टअप हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप है, वो एक ऑप्शनल भी है, मतलब एक बेसिक लेवल पर तुम्हें करना चाहिए, बट थर्ड स्टेप हो गया बहुत ऑप्शनल। अपने वर्ड्स को थोड़ा सा प्रोनंसिएशन पे ध्यान दो, ठीक है? मैं पर्सनली, मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मैं जो अभी ये वर्ड बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम PROBLEM, मैं इसको पहले प्रॉब्लम बोलता था, मैं लिखता सही था प्रॉब्लम, बट मैं इसको प्रॉब्लम बोलता था, और इस प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे पास बहुत, मतलब मेरे जो मेरे दोस्त थे मेरे को बहुत ज़्यादा इसके लिए बोलते थे, भाई इसको सही कर सही कर सही कर, और उनके कारण ही मेरी ये प्रॉब्लम सही हो पाई। तो अपने प्रोनंसिएशन पे ध्यान दो, ठीक है? प्रोनंसिएशन, तो प्रॉब्लम में पड़ गया ना मैं प्रॉब्लम की बात करके, देखो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, तो ये सुधारो, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि हम देखो यही बोलने वाली बात लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है और दूसरे की बात हम समझ पाए, लैंग्वेज इसीलिए बने ना कि सामने वाले को हम ये नीचा दिखा सकें कि भाई देख मेरे को इतने हार्ड वर्ड आते हैं, मतलब मैं तो अल्टीमेट इंग्लिश जानता हूँ। मैं पर्सनली उस चीज़ पर कभी फोकस नहीं करता कि मुझे इंग्लिश झाड़नी है। और यार एक बहुत बड़ा बोनस टिप देना चाहूँगा कि भाई इंग्लिश है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा वो मैटर नहीं है कि हाँ इसके सीखे बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं। तो यार देखो तुम्हें तुम्हारी मेन लैंग्वेज है ना, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी या कोई भी, तो तुम्हारी पर्सनली तुम्हारी जो मातृभाषा है जो तुम सीखे हो बचपन से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आज हमारे खुद के PM मोदी जो भी बाहर कभी भी जाते हैं, चाहे वो USA गए हैं, इज़राइल गए हैं, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, भाई दैट मेक्स अस प्राउड। हम लोग हमारी भाषा को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे जितने बाहर के लोग दे रहे, तो हमें हमारी भाषा को भी इंपॉर्टेंस देना है। द ओनली थिंग इज कि इंडिया में कल्चर बन गया कि यार इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता। इंग्लिश एक नेसेसरी है, एक ऐसी चीज़, एक लैंग्वेज है जो कि अगर तुम सीख लेते हो तो तुम्हारे करियर में एक बूस्ट मिलता है, तुम्हें एक मतलब एक कंसीडरेबल पॉइंट होता है, एज अ डिग्री काउंट करते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास इंग्लिश की डिग्री है, एग्जाम्पल है, मतलब डिग्री नहीं है कोई इंग्लिश की, बट अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, यस के आई कैन गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश, योर कंपनी विल डेफिनेटली सेलेक्ट टू। सो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करो, और सॉरी भाई इस वीडियो के लेट होने के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।